रबी फसलों का खरीद सीज़न अब खत्म होने को है किसान अब खरीफ फसलों की बुवाई की तैयारी करने लगे हैं पूरे सीज़न किसानों को सरसों का सही दाम नहीं मिला वो एमएसपी के लिए भी तरसते रहे लेकिन अब जब वो अपनी काफ़ी उपज बेच चुके हैं तब जाकर सरसों और के दाम थोड़े बढ़ने शुरू हुए हैं देश के सबसे बड़े सरसों उत्पादक राजस्थान की कई मंडियों में सरसों का औसत और अधिकतम दाम इसकी एमएसपी 5,650 हज़ार रुपये प्रति क्विंटल के पार चला गया है इसकी वजह से सरसों के तेल का दाम भी बढ़ गया है दो सप्ताह में ही इसके थोक दाम में सोलह रुपये प्रति किलो की तेज़ी आ गई है सवाल यह है कि आखिर जिस सरसों का अब तक सिर्फ़ 4000 से 4500 हज़ार रुपये क्विंटल तक का दाम मिल रहा था उसका दाम अचानक क्यों बढ़ने लगा है क्या इसकी कोई अंतर्राष्ट्रीय वजह है या फिर घरेलू अखिल भारतीय खाद्य तेल व्यापारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शंकर ठक्कर का कहना है कि सरकारी एजेंसियों की आक्रामक खरीदी ने किसानों को राहत दिलाई है और इस सीजन में सरसों के दाम एमएसपी के करीब या उससे ऊपर पहुंच गए हैं राजस्थान के टोंक जिले में स्थित मालपुरा मंडी में 26 मई को दो क्विंटल सरसों बिकने के लिए आया था इसके बाद न्यूनतम दाम चार औसत दाम पांच हजार आठ सौ अस्सी और अधिकतम दाम छह हजार तीन सौ इकहत्तर रूपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है ठक्कर का कहना है कि सरसों के दाम के साथ ही इसके तेल का भाव भी बढ़ रहा है पिछले पन्द्रह दिनों में ही सरसों के तेल में सोलह रूपये प्रति किलो की तेजी आई है सरसों का तेल एक हजार तीस रूपये प्रति दस किलो से बढ़कर एक हजार एक सौ नब्बे रुपये प्रति दस किलो पहुंच गया है यानी थोक में एक सौ उन्नीस रूपये किलो हालांकि सरसों का एमएसपी पांच हज़ार छह सौ पचास रुपये क्विंटल है अगर इस दाम पर खरीद होती है तो सरसों तेल का दाम कितना होगा विशेषज्ञों का कहना है कि सामान्य तौर पर सरसों में तैंतीस फीसदी तेल निकलता है यानी एक क्विंटल में तैंतीस किलो इस हिसाब से एक सौ इकहत्तर रुपये प्रति किलो का दाम हो तब मानना चाहिए कि सरसों का तेल शुद्ध होगा अब यह भी सवाल उठता है कि इस वक्त खाद्य तेलों की ज्यादा मांग नहीं होती यानी कि शादियों का सीजन न होने और गर्मियों के दिनों में वैसे ही लोग तेल का सेवन कम कर देते हैं इसके बावजूद दाम क्यों बढ़ रहा है ठक्कर का कहना है कि सरसों तेलों में अचानक से तेज़ी आने की वजह कुछ बड़े खिलाड़ियों द्वारा खेला किया जाना है ऐसा दिख रहा है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में तेलों के दामों में बड़ी वृद्धि नहीं हुई है लेकिन देसी तेल जिसमें खासकर मूंगफली और सरसों के दामों में बड़ी वृद्धि देखने को मिल रही है Bureau Report Market Times TV.